देखो गाइस, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं ना, बहुत सारे लोगों को ये घर देखना प्रॉपरली कि ये घर है कैसा, तो फिर आज मैंने एक चीज करी है, वो ये है कि जब प्लेयर्स नहीं है इस घर में, मतलब जब प्लेयर्स लाइफ पर गए हुए हैं, तो मैंने पीछे से पूरा घर मार लिया अपने लिए। इन द सेंस यहाँ पर सारी छोटी छोटी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कैसा है, क्या कैसा नहीं है, वो सब चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है किचन। वर्ल्ड क्लास किचन तुम्हें देखने को मिल रही है, जैसे तुम देख सकते हो। लेकिन इस किचन के साथ साथ अगर हम लोग और चीजों की बात करें, तो आता है फ्रिज। इन प्लेयर्स के फ्रिज में बहुत ज्यादा पानी है, थोड़ा सा पानी है। इसके साथ साथ इनको यहाँ पे चार्ज मिलता है जस्ट यूटिलाइज्ड। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब हम आ चुके हैं इस अगले रूम में, जो कि किचन के साथ ही पूरा चलता हुआ आता है। यहाँ पर ये लोग बैठते हैं, अपनी टीम्स का स्ट्रैटेजी बनाते हैं, चीजें डिस्कस करते हैं, ये सब रहता है। और देख सकते हो कितनी ज्यादा साफ सुथरी जगह ये। इसके साथ अगर आगे जाएं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत से पेंटिंग वेंटिंग वो सब चीजें देखने को मिलती हैं, जो होता ही होता है। और इसके आगे अगर हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो इन लोगों की पुरानी रुखी सूखी पापड़ी रोटियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो ये खा रहे हैं नहीं खा रहे, जो भी चीजें कर रहे हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं। जैसा बैचलरों का चंडाल रूम होता है ना, चंडाल घर होता है, वो चंडाल घर इन्होंने बना रखा है। खैर, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज बनती हैं, थोड़े बहुत कॉन्वर्सेशन होते हैं, चीजें डिस्कस होती हैं, वो सब रहता है, जैसे कि तुम देख सकते हो। खैर, अब आगे चलते हैं। यही इस रूम के साथ साथ तुम अगर देखो, एकदम ऊपर आता है एक प्लेस्टेशन आर्केड गेमिंग जोन। जस्ट जैसे कोई एंटर करेगा तो सीधा ऊपर सीढ़ियाँ आती हैं, वहाँ पर जा करके ये लोग प्लेस्टेशन खेलना होता है, या फिर कोई भी ऐसे चैलेंजिंग टास्क होता है वो सारे टास्क करते होते हैं। आज भी एक चैलेंजिंग टास्क हुआ था, तुम लोग अमेज़न मिनी टीवी पर देख लोगे। मुंदरी बनाई फिरे ते विच नग जड़वाई फिरे। ओश व्हाट द फक, ये क्या देख लिया मैंने। सुनो आगे। सो ये हमारे यहाँ मखमली गद्दे, सोफे, तकिए नहीं, सोफे, और सोफे के पीछे प्यारे तकिए। तो यहाँ पर ये लोग बैठते हैं, बिल्कुल सामने इनके स्क्रीन रहता है, और उस स्क्रीन पर आराम से ये लोग गेम्स खेलते हैं, डिस्कशंस करते हैं, जैसे यहीं पर आ जाते हैं, वन वी वन चैलेंजेस के सिनेरियोज होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर इन लोगों के लिए होती रहती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। बस पेंटिंग देखो यार, कितनी मस्त मस्त पेंटिंग हो रखी है पूरे एरिया में। ऐसे ना बहुत सारे कैमराज लगे हुए हैं पूरे घर में, कोई भी कहीं पर भी मूवमेंट करता है, कुछ भी करता है, इन सब कैमराज में दिखाई देता है। तुम देख सकते हो नीचे भी लगभग 90 कैमराज इस घर के अंदर है, इंक्लूडिंग द लाइव गेमिंग कैमराज एंड ऑल। 90 कैमराज टोटल इस घर के अंदर लगे हुए हैं, विच इज जस्ट सो ब्रिलियंट। चलो अगले वाले घर के, अगले वाले रूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं वहां पर क्या चल रहा है। आ जाओ। जैसे ही वहां से हम आगे आते हैं तो ये आता है सीरियस मैटर वाला एरिया। तो यहाँ पे अभी तो लाइटें वाइटें सेट हो रही हैं, जब प्लेयर्स नहीं होते तब यहीं पे काम होता है, लेकिन यहाँ पर हर कोई बैठता है, उनको मैं यहाँ पर टास्क देता हूँ और उनको वो सारे टास्क करने होते हैं। वंस अगेन यहाँ पर भी बहुत सारे कैमराज तुम देख सकते हो, जैसे ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, बहुत सारे कैमराज है इधर, मुझे इग्नोर कर रहे हैं कैमराज, बट ये सारे कैमराज लगे होते हैं और यहाँ पर ये लोग बैठते होते हैं आराम से जाके। किसी की टीम बैठी है, कोई बैठा है, तो वो जस्ट यहाँ पर आके बैठ जाते, दैट्स ऑल। चलो, बिल्कुल सामने यहाँ पर टास्क हो रहे होते हैं और वो टास्क ये सब लोग कर रहे होते हैं प्रॉपरली आराम से। चलो, यहाँ पर तो जगह बदलती रहती है, अब अगले वाले एरिया में चलते हैं। इससे पहले की शुरुआत हो, एक बार जाकर के आते हैं हम उस जगह पर जहाँ पर एक्चुअली कास्टिंग हो रही होती है। सो अभी तो टाइमर है 10 मिनट का लगा हुआ, तुम देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे कास्टर्स बैठे हैं, उनको यहाँ पे गेम दिखता है। ओशन भैया PS5 गिफ्ट कर दो, ये अपने होने वाले बच्चे के लिए मुझसे टॉय मांग रहे हैं। और तुम देख सकते हो कैसे पर इनके पास चीजें रहती हैं, यहाँ इनको भीड़ आता है, ऐसे आवाज आती है और उसके अराउंड ये लोग करते हैं, इसके अंदर कास्ट करते हैं। और जब ये लोग यहाँ पर नहीं होते तो एक्चुअल प्लेयर्स आकर के बैठते हैं, उनके पूरे एरियाज बन जाते हैं, जैसे नो डिस्कस आउट स्ट्रेटजीज, डिस्कस तो कोई नहीं करता, बकचोदी करते हैं, तो वही चीज करने के लिए लगा। इसके साथ साथ ऊपर चलते हैं एक और बार यहाँ पे भी, तो मतलब आज आशीष आ रहा है एज अ मेंटर। हाय, दिस इज जस्ट फ्रॉम आशीष, ये सेकंड ईयर। एरिया बना हुआ है लेकिन अभी के लिए खाली है, धीरे धीरे वापस यहाँ पर चीज़ें आ सकती हैं, बट अभी के लिए एरिया खाली है, तो जब आएगा तब देखेंगे। चलो चलो ऊपर चलते हैं, प्लेयर्स के रूम्स में जाके देखते हैं क्या क्या है। अब हम आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। पांचों टीम्स के मेंटर्स को टूर करने का टास्क दिया था, जो तुम लोगों ने देखा होगा, आशीष को, हर्ष को, कैरी को, स्काउट को, ट्रिगर को, इन सबको टास्क दिया था, उसके बेसिस पर इनको रूम मिले।
पांच टाइप के रूम्स हैं। सबसे बेस्ट रूम जो है वो है गोट, सेकंड बेस्ट रूम है बॉस, थर्ड बेस्ट रूम है रीलोड, फोर्थ बेस्ट रूम जो है वो आता है नूब, एंड फिफ्थ बेस्ट रूम है जो वो है बॉट। ये पांच रूम्स हैं। बेस्ट रूम में बहुत बढ़िया सर्विसेज हैं, वर्स्ट रूम में कुछ नहीं है। देखते हैं हमारे हाथ सबसे पहले कौन सा रूम लगता है। सो हमारे पास आया है नूब रूम। साफ सफाई हो रही है मस्त एकदम इस पूरे रूम की, जब ये लोग हैं नहीं यहाँ पे। भैया आप ही करते हो क्या साफ सफाई पूरी? सबसे गंदा कौन सा कमरा रहता है आप बताओ तो? यही वाला? सब तो एक ही लेवल पे रहते हैं, सब सब सेम लेवल के गंदे रहते हैं। ठीक है, तो ये है नूब रूम। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो अपना सामान वामान जो भी चीजें हैं वो रखा हुआ है, बढ़िया सा बर्बरी के कपड़े वपड़े सब, मतलब महंगे महंगे चीजें रखी हुई हैं। सो गाइस अगर हम लोग बात करें, आपने पूरा रूम तो देख लिया होगा, अब बाकी वाले रूम पे चलते हैं कि वहां पर हो क्या रहा है। मेरी एक्चुअली चमन्नी गिर गई थी पीछे, चलो बाकी रूम में जा करके देखते हैं कि तो वहां पे चल क्या रहा है और वो रूम कैसे हैं। सो अब हम सीधा चलेंगे अगले वाले रूम की तरफ जो कि बिल्कुल सीधा सामने है। ये रूम में एंटर करते हैं मतलब बड़े बड़े जूते पड़े हुए भाई, बहुत ज्यादा भयंकर वाले। यहाँ पे भी साफ सफाई चल रही है। सेकेंड रूम जो है वो है बॉट रूम। इस रूम की खासियत यह है कि इसके ये वाले सॉकेट नहीं चलते, सिर्फ एक चार्जिंग सॉकेट है जो कि चलता है। ऑल्दो इनको फोन्स नहीं मिलते बट एक चार्जिंग सॉकेट है जो कि यहाँ पर चलता है। प्लस बंकर बेड्स है, मतलब अगर ऊपर वाला गिरा तो नीचे वाले के ऊपर, हाँ सीधा उसके ऊपर जाकर के गिरेगा। सो इट जस्ट लुक्स एंड फील्स प्रीटी गुड। सो ये है हमारा सेकंड रूम और वहीं पर तुम देख सकते हो लेवल अप ट्रॉफीज पड़ी हुई हैं जो कि बॉसमैन और बॉस लेडी को मिलती हैं रूम के, और उसी के साथ साथ वो जो जो भी गेम आप जीतते हो उनकी ट्रॉफीज भी वहां पर पड़ी हुई है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये है डेयर ड्रैगन्स का रूम। इस समय वो टीम जो सबसे बढ़िया कर रही है और वो टीम है जिसको सबसे खराब रूम मिला था अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अमेनिटीज। ये बहुत अलग चीज है, जो टीम सबसे बढ़िया कर रही है उसको सबसे खराब रूम मिला, और जो जिस टीम को सबसे बढ़िया रूम मिला वो टीम सबसे खराब कर रही है। चले आगे, चलो बाथरूम तो दिखाया ही नहीं हर रूम का। अरे मैं हक दूंगा वीडियो में, चल क्या चल रहा है। सबसे गंदा रूम कौन सा होता है? कोई भी नहीं गंदा रूम, कोई से ये एक नॉर्मली सब सेम ही गंदे हैं। अब अगले रूम पे चलते हैं जहां पर होती है टीम मीटिंग। ये दरवाजा खोलते ही पहली चीज तो लाइट बदलती है हल्की सी, पहले व्हाइट सी लाइट होती है फिर लाइट बदल जाती है। दिस इज एनपीसी। जो लोग अपने मेंटोर से बात करना चाहते हैं, जो लोग एलिमिनेशन वाले जोन में होंगे, जो लोग उस बॉटम ऑफ द टेबल वाले हिस्से में होंगे, वो आएंगे एनपीसी के अंदर एंड दे आर गोना बी हैविंग कॉन्वर्सेशंस, दे आर गोना बी हैविंग दोस चिट चैट्स एंड एवरीथिंग, वो सब चीजें उनको मिलने वाली हैं। तो बड़ी आराम वाली जिंदगी है भाई यहाँ पे। लेकिन अब उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेंशन भी आती है, सो दैट्स व्हाई दे कम नॉट टू एनपीसी। हम आते हैं सीधा अगले रूम की तरफ और उनमें से एक रूम है ये। सो दिस इज द रीलोड रूम, द थर्ड बेस्ट रूम। पहले हमने आपको सबसे वर्स्ट दिखाया फिर सेकंड वर्स्ट दिखाया, अब ये है थर्ड बेस्ट रूम। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो एक चैंपियंस ट्रॉफी डाकर डेजर्ट रैली की दिख रही है तुम्हें, क्या बढ़िया ट्रॉफी लग रही है ना। लेवल अप यहाँ पर भी बॉस मैन बने थे अनिरुद्ध, सो ये है ट्रिपल ए वेयरबुल्स का रूम, ट्रिगर्ड इंसान का उनका रूम देखने को मिलता है। सबके बैग्स वैग्स यहाँ वहाँ सब जगह रखे हुए हैं, बैठना हो कुछ भी हो सोना हो सारा कुछ इस जगह पे आराम से आप कर सकते हो। वंस अगेन दे हैव प्रीटी गुड स्टफ और मुझे स्लाइड्स मस्त लगे। उत्तरी अनिरुद्ध भाई अपना प्रोटीन का डब्बा लेके आए हैं प्रॉपर। ओशन क्या कर रहे हो? बीजेमआई का वेट। टूटा हुआ साज हूं मैं। आगे चलते हैं और अगर आगे जाने की बात करें तो जस्ट साइड वाला रूम देखने को मिल जाएगा हमें, which is good as well. ये है second best room. This room is called the boss room. अभी तक सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा रूम मुझे ये देखने को लग रहा है, ठीक है? सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से बना हुआ रूम मुझे ये देखने को लग रहा है। यहाँ पर भी कैमरास, ये कब सोते हैं कब उठते हैं क्या करते हैं वो सब यहीं पे होता है। सो दिस इज द बॉस लेवल रूम एंड यू गाइस कैन सी सब लोगों के यीज़ीज़, इनके यीज़ी स्लाइड्स, इनके जॉर्डन्स, उधर यीज़ीज़, हर तरफ बढ़िया बढ़िया। ये पावर फिनिक्सिस का रूम है मेरे ख्याल से, यस ये पावर फिनिक्सिस का रूम है। सो क्योंकि ये आदित के जूते हैं प्रॉपरली मुझे पता है तो उसी हिसाब से। सो या और देखो क्या बढ़िया सी चीज़ है। अब हम जाएंगे सबसे बेस्ट रूम में।
सबसे ज्यादा बढ़िया की ए क्लास स्टफ तुम्हें इस रूम में देखने को मिलता है। एंड इफ वी जस्ट टॉक अबाउट इट, सीधा एंट्री करते तुम देखोगे कितना बड़ा स्पेस है। तो सबसे वर्स्ट रूम है उससे दुगना स्पेस लगभग इस एक रूम में मिलता है। दिस इज कॉल्ड द गोट रूम, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट। यहाँ पे तुम्हें बेड्स सबके इंडिविजुअल देखने को मिल रहे हैं, सबके इंडिविजुअल स्पेसेस हैं। उसके साथ साथ इनको जो भी चीज़ चाहिए, देयर इज अ बटलर रूम के अंदर, एक प्रॉपर फ्रिज तुम्हें देखने को मिल रहा है विद ऑल द फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग। जो भी इन लोगों को चाहिए होता है वो सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाती हैं। सो या दिस इज द बेस्ट रूम दैट देयर इज। ये है आशीष की टीम क्यो क्रैकन्स का, सांगवान मक्वीन वो सब लोग इस रूम के अंदर रहते हैं। और बेस्ट बात पता है क्या, एक लौता रूम है जिसमें एक प्रॉपर बालकनी है। जैसे तुम बाहर आओ यहाँ पे तुम्हें एक प्रॉपर बालकनी विद अ प्रॉपर ओशन व्यू देखने को मिलता है। जितनी दूर तक तुम देख सकते हो उतना ज्यादा दूर तक तुम्हें प्रॉपर देखने को मिलता है। लेकिन अगर केओ क्रैकन्स उतना अच्छा नहीं खेली तो ये रूम आशीष से छिन जाएगा। चलो आगे चलो। मसाजर भी है तेरी गुदगुदी हो रही है मस्त एकदम। सो गाइस ये था पूरा का पूरा हाउस टूर। अगर आप लोगों को पसंद आया तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें थोड़ी देर में, लेकिन मुझे सच में मज़ा आ रहा है। और तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ना तुम किस टीम के लिए रूट कर रहे हो, किस टीम के लिए चीयर कर रहे हो, किस टीम के प्लेयर्स तुम्हें पसंद है, किस टीम के मेंटर्स तुम्हें पसंद है, सब चीज़ें मुझे बता सकते हो। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंडोर, स्टे ऑसम एंड पीस आउट गाइस। हैव अ रियली अमेजिंग डे, टेक केयर, बाय बाय।